हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर्स ऑफ रिकीज़ किचन। आई होप कि आप सब हेल्दी है। आज फिर से मैं शेयर करने वाली हूँ एक हेल्दी रेसिपी आप सबके साथ, एक इवनिंग बिंच कह सकते हैं। ये है ब्लैक चना का चाट। ब्लैक चना को बॉयल करके ये चाट होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ब्लैक चना चाट बनाने के लिए ये काला चना को 4 से 5 घंटे भिगो के रख दीजिए पानी में। उसके बाद इसे 3 या 4 सीटी लगा के उबाल के ले लीजिए, बॉयल हो जाएगा। बॉयल चना से आज मैं चाट बनाऊंगी। इसमें डालेगा करीब 2 टेबलस्पून, मैंने टमाटर को एकदम बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का खीरा लिया है, उसे पूरा ही चॉप कर लिया है क्यूब्स में। थोड़ा हेल्दी बनाना है इसीलिए थोड़ा ज़्यादा वेजिटेबल्स डलेगा, खाने में टेस्टी तो लगेगा ही, साथ ही न्यूट्रिशंस जो है वो भी बरकरार रहेगा। इसमें कोई भी चीज़ जंक नहीं है, कोई भी अनहेल्दी चीज़ नहीं डल रहा है। प्याज को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है और मिर्ची भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्ची लिया है। आप तीखापन अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, कम या ज़्यादा। हमें चाट में थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद है, मैंने ज़्यादा डाला है। आधा नींबू मैंने ले लिया है, आधा नींबू का रस को निचोड़ के डाल दूंगी। और यह है फ्रेशली चॉप किया हुआ हरा धनिया, धनिया के पत्ते वो भी चॉप किया हुआ है। अच्छे से धो के इसे मैंने पानी झड़ा के रख दिया था। सारे चीज़ें मैंने डाल दिया है चने के अंदर। अब इसमें मैं डालूंगी जो सबसे मेन इन्ग्रीडियंट है, वो है अचार। ये घर का बना हुआ आम का अचार है। मेरे मम्मी के पास मैं आई हुई हूँ, आप सबको तो पता ही होगा, मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। मम्मी का हाथ का बना हुआ आम का अचार है ये, तो मैं वही वाला अचार का थोड़ा मसाला, तेल और 1-2 टुकड़ा आम डाल रही हूँ। आपके पास कोई भी अचार, आम का हो, मिक्स्ड हो, मिर्ची का हो, कोई भी अचार जो घर में अवेलेबल हो, वही वाला अचार, उसका तेल और मसाला थोड़ा ज़्यादा करके डालिएगा। देखिए, मैं इत्तेफाक से मैं जब घर आई हुई हूँ तभी इधर इलेक्शन का डेट था, तो मैंने वोट दे दिया है, वही मैंने आपको दिखाया। साथ ही मैंने डाला है करीब 1 चम्मच काला नमक। कोई भी किस्म का चाट हो, नॉर्मल नमक से ज़्यादा फ्लेवर आता है अगर आप काला नमक का इस्तेमाल करें तो। अब 1 स्पून लिया है मैंने और उसके हेल्प से अच्छे से चने के साथ सारे जो अभी तक इन्ग्रीडियंट्स डाले हैं वो मिक्स कर लिया है। बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स मैं इस्तेमाल कर तो रही हूँ, लेकिन इस सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ये घर में इजीली अवेलेबल होता है। इवनिंग टाइम में कोई भी बाहर का तला हुआ समोसा, पकौड़ी, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब नहीं खा के अगर आप ऐसा एक घर में स्वादिष्ट चटपटा सा चाट बना के खाएं, आपका बिंजिंग का हैबिट जो है वो भी फुलफ़िल हो जाएगा और साथ में ये हेल्दी भी बहुत है, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होगा। इसमें मैंने डाला है जो रोस्टेड चना और पीनट होता है ना, जो मूंगफली और चना को रोस्ट करके सूखा रोस्ट करते हैं ना, वो वाला मैंने करीब 1/2 कप डाल दिया है। और साथ ही मैंने मिक्सचर डाला है, ये मिक्सचर फरसान जो होता है ना, मिक्सचर या भुजिया जो भी आप कहें, वो मैंने डाल दिया है 1 मुट्ठी। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर के लिए है और ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, नहीं चाहे तो नहीं डालिए। आप कह सकते हैं कि हेल्दी हेल्दी कर रहे हो और इसमें मिक्सचर डाल रहे हो, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ फ्लेवर और टेस्ट के लिए है। ये अगर आप नहीं डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा भी ये चाट जो है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। घर में मैंने देखा एक सेव होता है ना, सेव का भुजिया, वो वाला पैकेट था तो मैंने वो भी थोड़ा सा डाल दिया है। चाट तो सॉगी हो जाता है ना, इसमें प्याज, टमाटर, खीरा ये सब डाला गया है। इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीपन लाने के लिए थोड़ा सा भुजिया, सेव का भुजिया जो है वो मैंने डाला है। सेव का भुजिया डालने के बाद तुरंत ही मिक्स करके इसे सर्व कर दीजिएगा। इसके बाद इसे ज़्यादा देर तक रखिएगा नहीं, वरना सेव जो है वो भी अगर सौगी हो जाए तो उतना अच्छा नहीं लगेगा खाने में। एकदम तीखा चटपटा सा एक चाट बन के रेडी हो गया है और एकदम हाईली न्यूट्रिशियस हेल्दी एक बिंजिंग स्नैक्स है। थोड़ा सा मैं टेस्ट करके देख लेती हूँ सारे चीज़ें बराबर है कि नहीं। मुझे थोड़ा सा खट्टापन कम लगा तो मैं इसमें थोड़ा सा अचार, करीब 1 चम्मच अचार मैं और ऐड कर रही हूँ। खट्टापन, तीखापन, सारे चीज़ें जो है वो अपना अपना टेस्ट के हिसाब से होता है। जिसको कम पसंद हो कम डालिएगा, जिसको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा डालिएगा।
ये जो मैंने आज काला चना डाला है ये तो मैंने भिगो के रख के फिर उबाल के डाला है। आप चाहे तो इसे उबालिएगा, अगर नहीं भी उबाले और एक दिन ऐसे ओवरनाइट रख दे पानी झरा के, स्प्राउट्स निकल के आ जाता है ना, फिर आप काला चना का जो स्प्राउट्स होता है उसका भी ये सेम चाट बना सकते हैं। वो भी बहुत हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। उसके साथ अगर आप चाहे तो चने के साथ मूंग को भी आप पानी में फुला दीजिए एक रात के लिए, उसके बाद एक और दिन के लिए पानी झरा के रख दीजिए। मूंग और चना दोनों चीज़ों का अंकुर निकल जाता है और वो भी स्प्राउट्स जो है उसका भी आप सेम तरीके से चाट बना सकते हैं। ये सारे चीज़ें ऑप्शनल है, मुझे बॉयल चना अच्छा लगता है तो मैंने बॉयल चने का बनाया है। और हाँ, इसके साथ आप चाहे तो काबुली चना जो होता है उसे भी आप उबाल के डाल सकते हैं। वैसे मेरे चैनल पे इससे पहले काबुली चना का ऐसे चाट ऑलरेडी इसका वीडियो डाला हुआ है, प्रोटीन चाट जिसे कहते हैं। ये वाला चाट भी बहुत ही ज़्यादा चटपटा बढ़िया होता है। ये मेरे रेसिपी को फॉलो कीजिए और घर में इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, सबको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा टेस्ट करने के बाद कि कैसा लगा। आई होप कि आप सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा। इंग्रेडिएंट्स जो भी मैंने डाला है वो सब आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा तो कर सकते ही है, जो भी चाहे स्किप कर सकते हैं, और कुछ भी अगर आपको एक्स्ट्रा डालना है जैसे ग्रेट किया हुआ अदरक या कुछ भी चीज़ें आपको डालना हो तो आप इसमें बेशक डाल सकते हैं, वो अपने ऊपर है सारे चीज़ें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।